नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी और स्वागत है सुबोम्स के एक प्यारे से वीडियो के अंदर। देखिए, आज की जो प्रॉपर्टी होने वाली है 20x60 का डायमेंशन की प्रॉपर्टी होने वाली है। अपने आप में एक कोठी है जो कि 5 बेडरूम होने वाली है, विद आपको होम थिएटर यहां पे आपको मिल जाता है। 133 वर्ग गज में JD अप्रूव प्रॉपर्टी है, नॉर्थ फेसिंग है। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन जो होने वाली है वैशाली नगर एक्सटेंशन महाराणा प्रताप मार्ग, जो कि वैशाली नगर एक्सटेंशन का पार्ट रंगोली गार्डन जो रोड जाती है उससे मात्र 100 मीटर के अंदर की लोकेशन यहाँ पे होने वाली है। अभी देखिए इसका कंप्लीट हम टूर करेंगे, कैसे क्या कुछ होने वाला है, ये कैसे क्या कुछ बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए हमेशा कमेंट करके बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, साथ साथ में आपका क्या पर्पज है वीडियो देखने का, कि आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या फिर आप कोई इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से देख रहे हैं या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराने के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए सभी चीज़ों के लिए हमारे जो नंबर है अलग अलग, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए जाते हैं, वहां जाके आप सभी प्रकार के जो है डिटेल्स देख पाएंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिन लोगों को ऐसे ही शानदार से एक बने हुई कोठी की रिक्वायरमेंट है, चाहे एक फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके परिवार में या फिर आपके मित्र लोग हो। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप फ्रंट टेलीविजन कुछ इस तरीके से, देखिए शानदार सा कोठी का फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने बताया 5 बेडरूम ये होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे प्यारा सा एक रैंप का यहाँ पे डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी गाड़ी इजीली पार्क हो पाए इसके लिए काफी प्यारा ही है। यहाँ मेन डोर की अगर मैं बात करूँ, देखिये यहाँ पे फाइबर सीट्स लगा के देखिये काफी अच्छा बड़ा सा एक गेट यहाँ पे दिया गया है और पूरा जो गेट है वो फोल्डेबल गेट है, कंप्लीट ओपन होने वाला गेट है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो पार्किंग का स्पेस दिया गया है वो दो गाड़ी फॉर्चुनर जैसी दो गाड़ियों जितना पार्किंग का स्पेस दिया गया है, जिसमें इजीली आपकी दो फॉर्चुनर जैसी गाड़ियां आराम से पार्क हो सके, पूरा ही फोल्ड होके गेट। यहाँ पे वाटर टैंक का प्रोविजन दिया गया है। कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 6 हजार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ मिल जाती है और ये मिल जाता है देखिए सूर्य जो कि बाहर की तरफ से होने वाला, आराम से आप शू वगैरह स्लीपर वगैरह यहीं पर आराम से आप ओपन कर पाएंगे। इस तरफ मिलता है आपको देखिए एक छोटा सा मिनी गार्डनिंग का स्पेस जो कि काफी प्यारा लुक देने वाला है और दोनों वॉल्स पे आपको ट्राउल का प्यारा सा वर्क, और सामने वाली वॉल पे देखते हैं यहाँ तो यहाँ पे वुड स्टोन फिनिशिंग का प्यारा सा वर्क यहाँ पे भी किया गया है। दोनों तरफ देखते हैं तो विंडो का प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है। किचन का बाहर का लुक है जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहे आपको, सनलाइट आपको हमेशा यहाँ पे प्रॉपर मिलती रहेगी। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा विंडो दिया गया जो कि ग्लास लगा के अंदर की तरफ, यहाँ पे ग्रिलिंग का वर्क है जो कि सेफ्टी पर्पज को काफी इंप्रूव यहाँ पे करने वाला है। 2 स्टेप से हम लोग जो है कर पाएंगे हमारे प्यारे से कोठी के अंदर एंट्रेंस। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है देखिए शानदार सा ड्राइंग रूम, जिसमें आप 2 सोफा देखिए एक एक सीटर के इधर मिल जाते हैं, 3 सीटर सोफा यहाँ मिल जाता है। एक डिफरेंट और यूनिक डिजाइन यहाँ पे दी गई है। सेंटर में यहाँ पे देखते हैं टेबल की डिजाइन जो कि ये भी काफी प्यारी डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक दोनों तरफ देखते हैं तो आपको एक प्यारा सा देखिए आप यहाँ पे टेबल जैसा एक प्यारा सा डिजाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप बैठे हैं तो छोटा मोटा ग्लास बॉटल वगैरह यहाँ पे आप रख पाए। ये देखिए वुडन का एक प्यारा सा फ्रेम जो कि पूरा पैनल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में, बट काफी अच्छा लुक देने वाला डिजाइन यहाँ पे यूज किया गया। जैसे मैंने बताया इस विला के अंदर जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ एज इट इज, इन्हीं की प्राइस बताऊंगा लेकिन प्राइस जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहिए। डायमेंशन जैसे मैंने बताया 20x60 डायमेंशन होने वाली है। वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो AC वगैरह सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे फॉल सीलिंग की डिजाइन, साथ में आप फैन की डिजाइन देख पा रहे हैं, ये भी काफी प्यारी और यूनिक डिजाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अगेन यहाँ पे भी आपको एक पैनल मिल जाता है जो कि वुडन का पैनल किया गया है यूज, और यहाँ पे भी ग्रिलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। लैंप्स की जैसे डिजाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी काफी प्यारी लग रही है। ठीक जैसे एंटर करेंगे तो सबसे पहले इस तरफ यहाँ पे टेम्पल का मंदिर का एक प्यारा सा लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप गिलास लगा के दिया गया है, और जहाँ घर में मंदिर का स्पेस है अपने आप में एक यूनिक चीज हो जाती है। ये आ जाता है देखिए डाइनिंग का स्पेस। डाइनिंग के स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग स्पेस बनाया गया है, इसमें 6 यहाँ ऑलरेडी कुर्सियां लगी हुई है, काफी हेवी और काफी प्यारी कुर्सियां हैं और साथ में टेबल भी काफी हेवी और काफी जो है लुकिंग वाइज काफी खूबसूरती है दिखाई दे रही है। इस तरफ देखते हैं तो गोल्डन प्लस व्हाइट थीम एक प्यारा सा वॉलपेपर। AC फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर AC फिटिंग मिल जाती है, जहां जहां नीड है ड्रॉइंग रूम में भी AC जैसे मैंने बताया यहाँ पे मिल जाती है। इस तरफ देखते हैं तो वुडन का पूरा ही पैनल लगा के इसमें जो है ग्लास यूज करके, मिरर यूज करके इसको काफी अच्छा लुक देने की कोशिश की है, और बड़े से बड़ा TV आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाए इतना स्पेस यहाँ पे निकाला गया। नीचे की तरफ भी यहाँ पे रैक्स दी गई है जिनमें छोटे मोटे कुछ चीजें रखे तो इजीली वो भी संभव है। इस तरफ देखते हैं तो सिट आउट्स के लिए आपको 2 चेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो आराम से आप वेट पाएंगे। इसको जो डाइनिंग का स्पेस इसको आप इंप्रूव भी करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। 8 सीटर 10 सीटर तक भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, इतना स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। बात करें आगे इस प्रॉपर्टी में तो इस तरफ स्टेयर्स के नीचे भी एक स्पेस है
जिसमें यहाँ पे कुछ डिजाइनर चीजें ऑलरेडी रखी गई है, आराम से अपने हिसाब से और भी कुछ डिजाइनर चीजें यहाँ रखना चाहें वो पॉसिबिलिटीज मिल जाती है। इस तरफ भी देखिए आप, वुडन का प्यारा सा वर्क यहाँ पे आपको करके दिया गया, इसमें छोटी छोटी एलईडी लाइट्स का वर्क आपको दिया गया है। हैंड वॉश के लिए प्रोविजन आपको मिल जाता है। देखिए फिटिंग्स की बात करें, कॉलर जैसी कंपनी की आपको फिटिंग्स मिल जाती है, मिरर लगा के इसको काफी प्यारा लुक यहाँ पे दिया गया है। और नीचे की तरफ देखते तो यहाँ पे कैबिनेट्स दिए गए हैं जिसमें स्टोर रूम जैसा आप इसको यूज कर पाएंगे, कुछ भी चीजें रखना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे रख पाएंगे। अब देखते हैं इसके किचन के डिजाइन। देखिए किचन में मेन जो डोर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। यू शेप में मिल जाता है आपको किचन। देखिए ग्रेनाइट का टॉप और प्यारा सा शानदार सा किचन का डिजाइन यहाँ पे आपको मिलता है। पूरा एल शेप में इसको डिजाइन किया गया, फुली लोडेड आपको किचन का स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो सनमाइका देखिए काफी प्यारी डिसेंट सी सनमाइका यहाँ पे यूज की गई है। और कैबिनेट्स के अंदर भी देखें तो यहाँ पे लाइटिंग का वर्क किया गया है, जिससे कोई छोटा मोटा सामान जो भी ढूंढना तो वो इजीली आप ढूंढ पाएंगे, जैसे चिमनी चूल्हा ये सब कुछ फुली लोडेड यहाँ पे दिया गया है। गीजर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सामने तरफ जैसे मैंने बाहर से दिखाया था, दोनों तरफ विंडो का प्रोविजन दिया गया है। सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर आपको हमेशा यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे मिल जाता है देखिए आपको डबल सिंक का प्रोविजन। और बात करें फ्रिज रखने की, डबल डोर इजिली आप फ्रिज यहाँ पे रख पाएंगे, इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए तो फ्रिज भी आप इजिली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। फॉल्स सीलिंग की डिजाइन भी यहाँ पे करके दी गई है किचन के अंदर भी। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमने डाइनिंग ड्राइंग देखा है, किचन में हम देख चुके हैं, स्टेयर्स के नीचे का लुक हम देख चुके हैं, रूम में आते हैं। रूम में आने से पहले आपको देखिए मेन जो डोर है रूम का वो कुछ इस तरीके से काफी यूनिक डिजाइन में यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और रूम साइजेस की बात करूं लगभग 16x12 के आसपास की रूम साइज, बड़ा अच्छा साइज का रूम यहाँ पे निकाल के दिया गया। किंग साइज का बेड जैसे आप देख पा रहे हैं वो है, दोनों साइड काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। पीछे पूरा ही पूरी वॉल पे कुशन वर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी का पूरा पैनल यूज करके इसके अंदर एलईडी लाइट्स डाल के काफी अच्छा डिजाइन इसको बनाया गया है। फॉल सीलिंग की डिजाइन एक बार दिखा दीजिए, फॉल सीलिंग की डिजाइन भी काफी प्यारी और खूबसूरत फॉल सीलिंग की डिजाइन दी गई है। स्पेस तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतना स्पेस है कि यहाँ पे दो चेयर यहाँ पे ऑलरेडी लगाई गई है, इतना स्पेस आपको निकल जाता है। वुडन फ्लोरिंग जैसे यहाँ पे की गई है। और ये मिलता है आपको देखिए टीवी पैनल का स्पेस, इसमें एलईडी लाइट्स और साथ साथ में आप देखेंगे तो बड़े से बड़ा टीवी आप इजीली इंस्टॉल कर पाए, इतना स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। यह आ जाता है देखिए कबर्ड्स और ड्रेसिंग का स्पेस, फुली कबर्ड्स का स्पेस आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मिल जाता है आपको। सामने की तरफ मिरर लगा के ड्रेसिंग का स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। और इस तरफ देखेंगे तो वॉशरूम आपको मिल जाता है। ये वॉशरूम देखिए कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम है, फुली वेंटिलेटेड, साथ में टाइल्स का वर्क काफी अच्छा है, वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है। और शावर के लिए बिल्कुल इसमें जो है इसको डिवाइड करके शावर के लिए अलग से स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ कटआउट का एक स्पेस निकाला गया है, जिसमें पीछे वॉशेबल एक्टिविटीज वगैरह कुछ करना चाहें तो वो भी यहाँ पे इजीली संभव है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कैसे क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। देखिए स्टेयर्स का कॉम्बिनेशन जो है ग्रेनाइट का प्यारा सा कॉम्बिनेशन यूज किया गया, इसमें टफन ग्लास के साथ यहाँ पे वुडन वर्क, और यहाँ पे देखेंगे तो राउल का प्यारा सा वर्क आपको करके दिया गया। स्टेयर्स का एक बार लुक दिखाते हुए लेके आइए कैमरामैन जी। देखिए इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सिंडलेर का एक प्यारा सा डिजाइन जो कि काफी ही खूबसूरती आपके विला को आपकी कोठी को यहाँ पे देने वाला है। ये आ जाता है देखिए एक पैसेज जैसा स्पेस। स्टेयर्स की बात करें तो यहाँ से स्टेयर्स आपको जो है ऊपर की तरफ ले जाने वाली है। ठीक इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए किड्स रूम यहाँ पे डिजाइन किया गया है, एक सिंगल बेड काफी यूनिक काफी प्यारा, यहाँ पे स्टडी के लिए स्पेस और बुक्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस में निकाला गया। कबर्ड्स की बात करें तो ये मिल जाता है कवर्स का स्पेस, देखिए काफी यूनिक खूबसूरत सनमाइका यहाँ यूज की गई है। फॉल सीलिंग भी डिजाइन दिखा दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये देखिए इस जगह एक प्यारा सा स्पेस है। इस स्पेस में आप चाहें कुछ स्टोर रूम बनाना या फिर और भी कुछ लिविंग एरिया के हिसाब से एक दो चेयर यहां डालना चाहें तो वो भी आप पॉसिबिलिटी है। अगेन जैसे नीचे रूम देखा था ठीक उसी साइज में आपको यहाँ पे भी रूम मिल जाता है। देखिए रूम साइजेस काफी बड़ी बड़ी रूम साइज यहाँ पे निकाल के दी गई है। इसमें पीछे पूरा वुडन का पैनल यूज किया गया है, इसके अंदर एलईडी लाइट्स मिल जाती है, पीछे क्वेश्चन वर्क आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये मिल जाता है देखिए यहाँ पे भी स्पेसियस आपको बैठने की उचित व्यवस्था यहाँ पे भी दी गई है। और ये टीवी पैनल जो कि वुडन का पूरा ही शानदार सा टीवी पैनल यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया, नीचे की तरफ कंप्लीट यहाँ पे रैक्स दी गई है।
और इस तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको मिलता है दोबारा से कवर्स का फुली स्पेस। सामने की तरफ ड्रेसिंग के लिए एक प्यारा सा स्पेस यहाँ पे भी डिजाइन किया गया है। और वॉशरूम जैसे ठीक नीचे मैंने दिखाया वैसे ही वॉशरूम आपको यहाँ वेस्टर्न सीट के साथ मिल जाता है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी काफी यूनिक है। और शावर के लिए देखते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम इसको डिवाइड करके शावर के लिए भी स्पेस निकाला गया है। देखिए फॉल सीलिंग के डिजाइन हर जगह डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपको दी गई है। पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कटआउट मैंने दिखाया था यहाँ जाल लगा के इस स्पेस को कवर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं देखिए यहां देखेंगे तो सिंडलर की जो डिजाइन है काफी प्यारी डिजाइन आपको दिखाई दे रही होगी। लगभग 14x14 के आसपास का ये बेडरूम, ये भी एक मास्टर बेडरूम जैसा होने वाला है। काफी बड़ी साइज में बेडरूम यहां पे भी दिया गया है। किंग साइज का बेड यहां मिल जाता है। पीछे यहां पे भी क्वेश्चन वर्क और शानदार सी देखिए वुडन की एक पैनल यहां पे यूज किया गया है जो लुक इस रूम का काफी अच्छा बनाने वाला है। फॉल सीलिंग के डिजाइन यहां पे भी दिखा दीजिए। सामने इस तरफ देखेंगे तो यहां पे टीवी पैनल का स्पेस दिया गया है। बड़ा से बड़ा टीवी यहां पे भी आप इंस्टॉल कर पाएंगे। पूरा वुडन का प्यारा सा वर्क आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरफ देखेंगे तो यहां आपको देखिए कवर्स का स्पेस देखिए आपको मजा आ जाएगा। इतने बड़े साइज में कवर्स ऊपर और नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। आराम से अपने क्लोथ वेयरिंग आप इजीली यहाँ पे रख पाएंगे। ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे स्पेस आपको दिया गया है। तो विला के अंदर हर एक चीज स्पेसियस है। कोई भी छोटी छोटी चीजें यहाँ यूज नहीं की गई है। वॉशरूम के साइज दिखा दीजिए। शावर क्यूबिकल यहाँ पे लगाया गया है। वेस्टर्न सीट आपको यहाँ मिलती है। वेंटिलेटेड वॉशरूम है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी प्यारा टाइल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे बालकनी का स्पेस। मास्टर बेडरूम है तो बालकनी का स्पेस भी होना कंपलसरी है। पूरी ही 20 जैसे मैंने बताया साइज की लेंथ की आपको बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। इस बालकनी में देखेंगे टफन ग्लास यहाँ पे यूज किया गया रेलिंग के साथ। और आराम से ग्रीनरी लगाने के जितना स्पेस यहाँ पे आपको इजिली मिल जाता है। ऊपर की तरफ वुडन स्ट्रक्चर का प्यारा सा वर्क। और इन वॉल्स पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टोन फिनिशिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए बेडरूम में जैसे एंटर करेंगे इसमें आप कभी भी तो आपको बहुत ही प्यारा फील होने वाला है। बहुत शानदार फील आपको यहाँ पे होने वाला है क्योंकि बेडरूम साइज काफी बड़ी है और हर चीज बड़ी बड़ी हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है। जैसे कि वॉशरूम हो चाहे कवर्स का स्पेस हो। आ जाइए आप एक बार देखते हैं यहाँ से स्टेयर्स का लुक एक बार यहाँ पे भी दिखाते हुए लेके आइएगा। यहाँ पे अगेन देखेंगे तो लैंप की देखिए प्यारी सी डिजाइन। फॉल सीलिंग की डिजाइन काफी प्यारी यहाँ पे भी आपको दिखाई देने वाली है। एक छोटा मिनी लिविंग स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है इसमें जिसमें चेयर यहाँ पे लगाई गई है। पीछे प्यारा सा वर्क जो कि वुडन के डिजाइन जैसा वर्क आपको यहाँ पे मिलता है। सबसे शानदार और सबसे यूनिक जो चीज है वो यहाँ आपको मिलती है। ये आ जाता है देखिए आपका होम थिएटर जिसमें यहाँ सिटिंग की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ पूरा ही क्वेश्चन वर्क है जिससे कि यहाँ पे आवाज जो है वो गूंजेगी नहीं। इसके लिए काफी अच्छी चीज यहाँ बनाई गई है। सामने प्रोजेक्टर का स्पेस यहाँ पे दिया गया है और प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के यहाँ पे मूवी वगैरह आराम से इंजॉय यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे शाम के टाइम पे सिट आउट करने के हिसाब से यहाँ पे भी प्यारा सा स्पेस निकाल के दिया गया है जिसमें लाइटिंग का काफी अच्छा वर्क है। और चूंकि कुछ पार्टी वगैरह करें तो यहाँ पे एक स्लैब भी दी गई है जिसमें इजीली आप कुछ बनाना चाहें वो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने देखा शानदार सा बना एक कोठी जो कि 4 बेडरूम विद होम थिएटर होने वाली है। बात करें इसकी प्राइस की 1,70,00,000 रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। बिल्डर के नंबर में डिस्क्रिप्शन में साथ में स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। वहां जाके आप अधिक जानकारी भी ले पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। लोकेशन वगैरह सभी कुछ आप उस नंबर पे जान पाएंगे। अंत में दोबारा कहूंगा चैनल पे नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कैसा लगा आपको ये घर और चाहते हैं कोई एसोसिएट भाई या बिल्डर भाई हमसे वीडियो बनाना तो उसके लिए अलग से एक नंबर आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।